अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस बहुत अच्छा है, सबको गाना पसंद आ रहा है, सबको परफॉर्मेंस बहुत पसंद आ रहा है, ओवरऑल पैकेज जो है वो गाने का, सॉन्ग लिरिक्स कंपोजिशन परफॉर्मेंस शूटिंग विजुअल फ्रेम्स हर एक चीज़, तो अभी तक तो अच्छा लग रहा है। शूटिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, राजवीर के साथ सोल म्यूजिक स्टूडियो के साथ मेरा पहला कोलैबोरेशन है, एंड एज अ प्रोडक्शन दे आर फैब। राजवीर एज अ डायरेक्टर ही इज़ फैब, जिस तरीके से उसने शूट किया है, डीओपी जो डीओपी थे कैमरामैन उनका भी नाम शोएब था, फैब। आपने देखा होगा किस तरीके से सारे फ्रेम्स लाइटिंग वगैरह माइंड ब्लोइंग, सेट पे माहौल बहुत अच्छा था, ऐसा लग नहीं रहा था कि हम काम कर रहे हैं, सब हंसी मजाक में काम कर रहे थे, और किस तरीके से 14-15 घंटे हमने काम कर लिया पता ही नहीं चला। एक तो वो डांस वाला जो चंक है मेरा इन सुरभि का, जो हम इमेजिनेशन में डांस कर रहे हैं, यू नो कपल डांस कर रहे हैं, वो मुझे बहुत पसंद है। और यस एक मुझे मेरा वो अग्रेशन वाला, जब मैं ग्लास में लात मारता हूँ, तोड़ता हूँ, चिल्लाता हूँ, क्योंकि वो कुछ डिफरेंट है मेरे लिए, जो अब तक मैंने किसी भी म्यूज़िक एल्बम में उस तरीके से नहीं किया है, तो ये दो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, पसंद है। ऐसा कुछ नहीं है कि कौन पहले मनाने आता है, बट यस हम लोग किसी को रूठने देते नहीं है बेसिकली, और अगर रूठते भी हैं तो मना लेते हैं, फिर हम ये नहीं सोचते कि यार क्या गलती हो गई, बोले गुस्से से मनाएंगे लेकिन मना लेंगे कि हाँ चलो क्या हो गया, छोड़ो ना, ख़त्म करो ना, ये लो ऐसा वैसा। बट आई थिंक इस सॉन्ग में भी ऐसा ही है कि जहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है एक रिलेशनशिप में, जिस वजह से वो चीज़ हो जाती है, एंड देन फिर बाद में एक पॉइंट पे जो है वो लड़की को रियलाइज़ होता है कि नहीं यार मैं गलत सोच रही हूँ। तो मुद्दा जो है सॉन्ग का वो है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो है कि आपके पूरे रिलेशनशिप को वो ख़राब कर सकती है, तो आपको आपके पार्टनर पे ट्रस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए आपके रिलेशनशिप में। बहुत अच्छी, बहुत माइंड ब्लोइंग, वेरी स्वीट शेज, और मैं पहले भी बोल चुका हूँ जब हम काम साथ में करते थे कि बहुत ही कोऑपरेटिव, मतलब यू नो एक एक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सामने वाले को एक्टर को आप बहुत ही कम्फर्ट फील कराओ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आपके साथ सीन्स होते हैं, आप पास भी होते हो, आप रोमांस भी करते हो चीज़ें, क्योंकि हम एक रियल लाइफ में वो सारी चीज़ें जीते हैं, बट जो ऑडियंस हमें देखती है तो उसको वो रियली लगता है कि अच्छा ये दो कैरेक्टर दिखते हैं जो ज़िंदगी जी रहे हैं, फिर वो प्यार भी वैसे ही कर रहे हैं, वो गुस्सा भी वैसे ही कर रहे हैं, तो यस एंड एज अ पर्सन तो वो है ही बहुत ही दिल फेक इंसान, बहुत ही यू नो साफ दिल इंसान, बड़बड़ पक पक हमेशा बात करती रहती है, बोलती रहती है, उसकी बोलने की बहुत आदत है कुछ भी कुछ टॉपिक निकाल के, तो यस मज़ा आया, अभी वैसे ही है, और जैसी 5 साल पहले थी आज भी वैसा ही है, बिल्कुल उसमें चेंज नहीं है, यस मज़ा आया उसका, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आगे फिर साथ में काम करने का मौका मिले। हाँ क्यों नहीं, आई थिंक ये हर चीज़ ना कहते ना कि घूम फिर के वापस आती है, ये एरा मुझे 90s का याद है, जब बहुत सारे म्यूज़िक एल्बम्स यू नो आया करते थे, वो दीवाना, जान, सोनू निगम के, वो छुई मिसी तुम लगती हो, एक पूरा एक एरा था जहाँ पे म्यूज़िक भरभार आया करते थे, फिर बीच में 10-15 सालों के लिए 20 सालों के लिए गायब हो गया, एंड देन सडनली अब पिछले 3-4 सालों से ये एरा फिर से वापस आया है, तो यस अच्छा है। आपको बहुत पहले आप सॉन्ग्स का वेट करते थे ओनली सिर्फ मूवीज़ के आने के लिए, उसमें सॉन्ग्स आएंगे, अब आपके पास, और म्यूज़िक तो ऐसा है कि भाई हमेशा ही जब भी आप अच्छे मूड में हो, ख़राब मूड में हो, बुरे मूड में हो, म्यूज़िक आपको बहुत ही रिलैक्स फील कराता है, एंड यस जैसा कि आपने बोला कि बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप उनको म्यूज़िक वीडियोस मिलते हैं, अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है, फिर चाहे वो एक्टर्स हों, चाहे वो इन्फ्लुएंसर्स हों, सबको एक मौका मिलता है, यू नेवर नो कब कहाँ से कोई एक चीज़ क्लिक कर जाए, किसी की लाइफ बदल जाए, तो आई थिंक ये है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि लाइक वेब भी वही चीज़ कर रही है कि पहले टेलीविज़न था, फिल्म था, अब वेब आ गया है, और इतने वेब शोज़ बन रहे हैं, वेब में इतनी मूवीज़ आ रही हैं कि बहुत सारे एक्टर्स जिनको शायद मौका नहीं मिलता था, अब उनको मिलता है वहाँ पे मौका, भले चाहे वो छोटे रोल के लिए हो या बड़े रोल के लिए हो, काम अच्छा होता है, काम एक्नॉलेज होता है आपका, तो आई थिंक ये सारे मीडियम्स जो आ रहे हैं वो बहुत अच्छा है, और इंशाल्लाह बस उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही जो काम की तलाश में है, जो कुछ जिनको चाह के भी कभी कभी होता ना कि इंसान बहुत कोशिश करता है लेकिन हर एक का लक नसीब कभी कभी साथ नहीं करता है, तो वो उनको मिले, और फिर चाहे वो एक वेब हो या छोटा सा रोल हो वेब में या एक म्यूज़िक वीडियो हो, उनसे उससे किसी कहीं मतलब किसी की नज़र तक वो लोग पहुँचें, और इंशाल्लाह उनको भी कामयाबी दे अल्लाह। टाइम का यार मुझे सच बताऊँ मुझे खुद नहीं पता कि टाइम कैसे होता है, बस मुझे टाइम हो जाता है, एंड यहाँ पे मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे रोज़ सुबह 6:30 बजे उठना है, एंड 7:30 बजे मुझे घर से निकलना है, एंड उसके बाद रात को 12-11 बज जाता है मुझे घर आते आते, 12:30-1 बजे तक मुझे सोना है। अब उसके बीच में फिर वो सारी शेड्यूलिंग होती है, अच्छा आज अजूनी का शूट है, जब अजूनी का शूट नहीं होता, जब कोई सॉन्ग्स वगैरह होते हैं तो वहाँ पे जो मेरा प्रोडक्शन है उस चीज़ को मैनेज कर लेता है, तो मैं सॉन्ग शूट कर लेता हूँ। जैसे आज मैंने उनसे एडजस्टमेंट मांगा था कि आज मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मुझे जाना है, तो उन्होंने मुझे शूट से ऑफ दे दिया
कि आप आराम से जाओ कर लो, तो ऐसे अकेला इंसान चीज़ें नहीं कर पाता है, आसपास सारी चीज़ें होती हैं। तो यस, फैमिली भी उतनी ही कोऑपरेटिव है, दीपिका उतना मुझे मोटिवेट करती है, प्रोडक्शन हाउस उतना कोऑपरेटिव है, सब तो चीज़ें हो जाती हैं। मेहनत करना मुझे बहुत पसंद है, आप सबको पता है, और बहुत ही खुशकिस्मत हूँ मैं कि मुझे वक्त नहीं मिल रहा है, मैं काम में इतना बिज़ी हूँ। और बस इंशाल्लाह यही उम्मीद करता हूँ, यही दुआ करता हूँ कि मैं इतना बिज़ी रहूँ कि मुझे फ्री टाइम मिले ना, बस मैं काम करता रहूँ, मेहनत करता रहूँ आप सबके लिए, अपने लिए, आप सबके लिए। और बस बहुत अच्छा रिएक्शन था, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बोला कि उन्होंने मुझे पहले इस तरीके से ऐसे रूप में नहीं देखा, उन्होंने हमेशा हंसता खेलता रोमांटिक वाला दिखाया, तो उनके लिए भी कुछ डिफरेंट था। और दीपिका को घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आया, दीपिका को स्पेशली गाना बहुत ज़्यादा पसंद आया, मेरी परफॉर्मेंस बहुत पसंद आई है, हम दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हैं, वो बोल रही थी शूट अच्छा हुआ है, डायरेक्ट अच्छा हुआ है, तो अच्छा लगा उसको। और ओवरऑल सबको पता है मैं हमेशा यही बोलता हूँ जब जब ये न्यू ईयर वाली चीज़ आती है कि मैं रेजोल्यूशन पे बिलीव करता ही नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को कुछ भी अगर करना है तो उसको सिर्फ 1 जनवरी या 31 दिसंबर का मौका नहीं देखना चाहिए, कभी भी कर देना चाहिए। बस यही दुआ करता हूँ कि आने वाला साल जो कैलेंडर के हिसाब से जो चेंज हो रहा है, आने वाला साल आप सबके लिए खुशहाल हो। जो काम आप लोग या मैं 2022 में नहीं कर पाए हैं, कोशिश करेंगे कि वो 2023 में कर सकें। जो मेहनत बाकी रह गई है, अब वो कोशिश करेंगे आगे हो। एंड यस, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप खुशहाल रहें, आप हेल्दी रहें, और अल्लाह पाक आप सबकी हिफाजत करे, आपके अपनों को, आपको सही सलामत रखे। आई थिंक ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बाकी तो सब चलता रहता है। वो सॉन्ग उन्हें देखने मिलेगा सोल म्यूज़िक स्टूडियो के यूट्यूब पेज पर। मैंने भी अपने यूट्यूब पेज पर कम्युनिटी पोस्ट पर उसका लिंक शेयर किया है, मैंने अपने इंस्टाग्राम पर लिंक शेयर किया है, तो प्लीज़ आप देखें उसे और अपना प्यार दें। थैंक यू।